तुम्हें यार क्या हम उनको ना मौत के मुंह से मुंह ना बचा के लेके आए। कि आज मेरी मम्मी का हैप्पी बर्थडे और मम्मी को बेचारे को हॉस्पिटल के वहाँ पे चक्कर काटने पड़े। इधर से मुर्दे आते हैं उधर से जिंदा जाते हैं। अरे बड़ी बहुत परेशान हो जाता है आपने हॉस्पिटल में क्या घूम घूम के तो और ज्यादा कहाँ कहाँ जाऊंगा अकेला। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो ये देखिए, आज की वीडियो की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ इस ऑटो के अंदर बैठ के अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जा रहे हैं ऑफिस और अभी सुबह के ना 9:30 हो चुका है और मैं जा रही हूँ एम्स हॉस्पिटल। तो हम लोग काफ़ी जल्दीबाजी में ही निकले हैं, तो घर से मैंने इसलिए ब्लॉग सूट वगैरह नहीं किया है, जल्दी जल्दी से निकले थे। तो मैं एम्स जा रही हूँ मम्मी से मिलने के लिए, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, आप लोगों को आगे पता चलता रहेगा कि क्या क्या सीन है। तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ एम्स हॉस्पिटल में। तो यह आप देखिए, पूरा एम्स हॉस्पिटल है। तो मुझे ना गेट पे आंचल और मेरे मौसी का लड़का था आशीष, वो मुझे दोनों ही गेट पे मिल चुके थे। बाकी मम्मी और अपने कार्ड वगैरह जमा करने के लिए अंदर चले गए थे, पहले ही हॉस्पिटल के अंदर चले गए थे पापा भी मौसी भी। तो वो कार्ड वगैरह जमा करके वहाँ पर अपना नंबर वगैरह लगा रहे थे और हम आंचल मेले रुकी हुई थी गेट के सामने, वेट कर रही थी मेरा। तो ये देखिए, यहाँ पे जो हम चल रहे हैं ना, तो यहाँ पे कार्ड वगैरह बनते थे पहले, लेकिन अभी ये क्लोज़ हो रखा है, शायद कुछ काम वगैरह चल रहा है। तो ये देखिए, हम यहाँ पे अंदर ही चले गए थे, हमें जाना दूसरी जगह था, लेकिन हम ना यहाँ पे पहले चक्कर खा रहे थे कि कहाँ जाना होगा। और फिर हमने कॉल वगैरह करी थी पापा से, तो फिर पापा ने बताया कि दूसरी साइड में आना है जहाँ पर हम पहले जाया करते थे। तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गई थी, इसीलिए हम यहीं पर घूम रहे थे। तो अभी मैं और आंचल और आशीष से और अभी सीधा चलते हैं। वो पानी निकालती थी तुझे पता है? तो ये है दोस्तों दिल्ली का एम्स हॉस्पिटल, जहाँ अच्छे से बुरे सारे मरीज रहते हैं, आते रहते हैं। और ये तो थोड़ा सा ही हिस्सा है, वरना तो बहुत बड़ा फैला हुआ है पूरा एम्स हॉस्पिटल। इतना मैंने मेरा सूट वगैरह किया नहीं है, जितना हम थोड़े जा रहे थे, तो कहीं कहीं भी मैंने सूट किया था, बहुत ज़्यादा नहीं सूट किया मैंने। तो बस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं वहाँ पे जहाँ पे मम्मी और गए हुए हैं अंदर। तो यहाँ पे ये पापा है, तो पापा मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। तो यहाँ से ना हम लोग को अंदर ही नहीं जाने दे रहे, तो बहुत मुश्किल से, बहुत ज़्यादा मुश्किल से हम लोगों को उन्होंने जाने दिया था। और फिर थोड़ा सा अंदर गए, फिर अंदर भी उन्होंने मुझे जहाँ पर मम्मी थी उस वाले रूम में नहीं जाने दिया, बाहर ही, मतलब थोड़ा यहाँ पर वेटिंग करते हैं ना, तो यहाँ बिठा दिया। तो मम्मी चली गई थी अंदर, तो बस वहाँ पे गए। काफ़ी मुश्किल से हम लोग गए थे और मम्मी से मिले विले, मतलब मम्मी वैसे ठीक थी, पर थोड़ा जो भी मम्मी को चेकअप वगैरह कराना था वो सब करवा के फिर हम लोग आ चुके थे। ये देखिए कि ये एरिया जो है ना, कैंटीन वाला एरिया, यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हो कैसे बैठे हुए हैं बेचारे सारे नीचे, कोई किसी को कुछ दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम, तो सारे ऐसे ही बैठे हुए हैं ज़मीन पर ही। और ये ना कैंटीन वाला एरिया है, तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ तो नहीं मिलता, सैंडविच वगैरह मिल जाते, जूस वगैरह मिल जाता है। और जब मम्मी बीमार थी तो यहीं पे आते थे हम, जब हमें भूख वगैरह लगती थी तो यहाँ मिल जाते हैं, तो बाकी इतना कुछ है नहीं। ये इमरजेंसी है ना, इधर से इमरजेंसी। अरे उधर से लोग जाते हैं, यहाँ से कोई मर जाता है, इधर से आते हैं। बहुत धूप हो रही है, चलो। सो दोस्तों, अभी हम लोग हॉस्पिटल में ही है और मौसी भी आ रखी है मम्मी के साथ, आशु भी आ रखा है मौसी का बेटा। और अभी ये लोग आगे अपॉइंटमेंट लेने के लिए गए हुए हैं, पापा और मम्मी आचल और मैं और मौसी अभी मिलते हैं। अभी हम थोड़ी देर में निकलने वाले, हमको काफ़ी टाइम हो गया, हम सुबह से आ रखा है, अभी ना दिन के 12 बज चुके हैं, अभी जाते जाते 1 बज जाएगा, है ना मौसी? हाँ, 1 बज जाए। बहुत टाइम, बहुत सरदर्दी होती है यहाँ पे सच्ची। तो मैंने ब्लॉग वगैरह अपने सही से शूट नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि तब से हम भाग दौड़ी कर रहे हैं, डॉक्टर डॉक्टर बहुत परेशान हो जाता है आपने हॉस्पिटल में। फिर यहाँ आके तो और ज्यादा घूम गए, पहली बार आए ना? हाँ, मैं तो पहली बार हूँ। खैर, हम तो पिछले 2-3 साल से घूम रहे हैं मम्मी के चक्कर में। एक दो बार आई हूँ मैं, जब मेरी मम्मी तेरी, एक बार तेरी माँ, बार दो बार आया, तीसरी बार आई हूँ। तो मौसी मतलब वैसे नहीं घूमी, इस बार थोड़ा हमने मौसी को सही से घुमा दिया पूरा, मतलब पूरा दिखा दिया कि यहाँ पे ये, यहाँ पे भाई, यहाँ तो भाई बहुत आफत है। अकेला तो घूमने का कोई और नहीं है, अकेला आदमी मर जाएगा यहाँ पे। मेरे पास में कहाँ कहाँ जाऊंगा अकेला, मैं सिल्वर रिवर जाऊँ, रिवर जाऊँ में तो कक जान रहा हूँ, नहीं तो हाँ मिलाऊंगी रिवर। और क्या पता मिलाऊंगा, कक जान क्या जान, तेर माँ तो 2-3 साल बड़ी, उसको तो पता होगा कि कैसे जाना है, क्या जाना है, नॉलेज होगा यहाँ के काम। और क्या, जो आप 2-3 साल सारा जो बंदा उसको सब पता हो जाता है भाई, किधर जाना उधर जाना है। तो खैर, अभी थोड़ी सी मम्मी की तबीयत ठीक है और अभी हम चलेंगे, पहले ये लोग आएंगे, इनका वेट कर रहे हैं अभी बाहर,
गर्मी भी हो रही है, धूप तो ज्यादा तेज नहीं लेकिन गर्मी हो रही है। चलो मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो बस अभी ना मम्मी और पापा और का वेट कर रहे हैं, और यहाँ पे हम जो फर्स्ट गेट नंबर है ना, तो वहीं से ही थोड़ा सा मैंने यहाँ पे हल्का सा वीडियो बनाई थी। यहाँ पे ये इमरजेंसी वार्ड है शायद जो आपको दिख रहा है, तो यही है दिल्ली का एम्स हॉस्पिटल। और यहाँ पे ये अपॉइंटमेंट वगैरह, जैसे दूसरी बार आपको आना होता है तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है बार बार, जितनी बार भी आओगे तो यही सारा यहाँ पे चलता रहता है। यही सरदर्दी है यार सच्ची, हॉस्पिटल आना तो मैं तो यही सोचती हूँ। तो अभी हम लोग सीधा मतलब काम वगैरह हो चुका है, अब निकलते हैं घर के लिए। बड्डे गल बीमार हो रखी है, बड्डे गल बड्डे के दिन हॉस्पिटल पहुंची है बेचारी। बस के धक्के मुक्के खा रही है, मार भी कीमत, बस के धक्के मुक्के खा रही है मेरी मम्मी बेचारी। गाइस आज मेरी मम्मी का हैप्पी बर्थडे है, और मेरी मम्मी बेचारी बीमार होकर हॉस्पिटल पहुंची है। हम लोग तो अभी मम्मी थोड़ा सा ठीक फील कर रही है, तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं। मैं हूँ, मौसी है, मम्मी है, पापा है, आंचल है, आंसू है, सब है। तो मम्मी के साथ इतने सारे लोग आए हुए हैं आज मम्मी को हॉस्पिटल लेके। और अभी मेरी मम्मी देखा एकदम सही हो गई, हमने कहा रात को केक भी तो काटने है इसलिए जल्दी से सही हो गया, तो अभी सब कुछ सही है। बाकी रिपोर्ट वगैरह तो वैसे मम्मी बार बार आती रहती है, बाकी चीज़ें मैं आपको घर पर जाके बताऊंगी। बाकी चीज़ें मैं आपको घर पे जाके बताऊंगी मैं क्यों आई थी, क्या क्या हुआ था। अभी आते टाइम मैंने ब्लॉग सही से शूट नहीं किया, बहुत जल्दीबाजी में आई थी मैं इसी चक्कर में। तो अभी थोड़ा सा मम्मी मार्केट जा रही है और मार्केट से कुछ सामान लेगी अपने लिए, फिर हम लोग चले जाएंगे। तो मेरा तो यहाँ से पास में ही पड़ता है, थोड़ा सा दूरी पर है, और मम्मी और को तो काफ़ी दूर जाना है उत्तमनगर, तो मेरे पास में था तो मैंने सोचा मैं भी मिल के आ जाती हूँ, एक बार देख के आ जाती हूँ मम्मी की तबीयत कैसी है। तो बाकी मैं बताती हूँ आपको। सो गाइस मैं भी घर पे पहुँच गई हूँ, अब बेबी मैं घर पे पहुँच रही हूँ, और ये देखो मेरी हालत देखो कैसी हो चुकी है, अजीब सही मतलब बहुत ज़्यादा पसीने पसीने हो गए मुझे। बस मैंने सूट डाला हुआ था ना, और ज़्यादा गर्मी लग रही थी सूट में। और वहाँ पे हमने पूरे एम्स में काफ़ी घूमे थे, इधर उधर होता है ना कभी यहाँ से कुछ करो वहाँ से कुछ करो, इधर भेजते रहते, तो काफ़ी टाइम लग गया। और चलो मैं अभी पहले फ्रेश होना सो जाती हूँ, एक बार दोबारा से नहाना पड़ेगा, बहुत पसीने हो गया, फिर मैं आप लोगों से मिलूँ। सो गाइस अभी ना खाना वगैरह मैंने खा लिया, अभी मैंने वहाँ से आने के बाद पहले अपने लिए थोड़ा सा कुछ बनाया, रोटी वगैरह बनाई थी, और अभी मैंने खा चुकी हूँ। और मुझे ना बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, और उन लोगों ने तो बाहर का खा लिया था, लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरी परहेज चल रही थी, जिसकी वजह से मैंने बाहर का कुछ भी नहीं खाना है, कुछ भी नहीं खाना है बाहर का, ओनली मैं फल फ्रूट खा सकती हूँ, बाकी मुझे बाहर की बनी हुई चीज़ें, दूसरे के हाथ की बनी हुई चीज़ें कुछ भी नहीं खानी है। तो इसी चक्कर में मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लग गई, और मैं तो कह रही थी कि 1 बजे तक हम पहुँच जाएंगे, लेकिन मुझे आते आते यहाँ पे मुझे अभी मैं मतलब 2:30 बजे यहाँ पे पहुँची हूँ, 2:30 बजे मेरे जब मैं पहुँची थी। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा नहाना धोना किया, और फिर थोड़ा सा खाना वगैरह बनाया अपने लिए, और अभी खा के अब जाकर मैं थोड़ा सा फ्री हुई हूँ। और आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, नए एक कुछ ना कुछ नई नई प्रॉब्लम्स होने पर लगी हुई है। और मम्मी का क्या सीन है ना कि मम्मी का हम लोग इलाज करवा रहे थे काफ़ी टाइम से एम्स में, काफ़ी टाइम मतलब कि 3 साल पहले से करवा रहे हैं, तो एक बार इलाज हो जाता है तो फिर बार बार चेकअप के लिए बुलाते रहते हो हर दूसरे तीसरे महीने में, तो इसी वजह से। और परसों ही मम्मी चेकअप करके गई थी, तो अभी थोड़ी सी मम्मी की ज़्यादा नहीं मतलब इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी। और कल रात को उन्होंने बोला कि सर थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब है, और वैसे उनको आना भी था हॉस्पिटल भी आना था, और तो मम्मी ने सोचा तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही थी एक बार दिखा, तो मैंने सोचा यार मैं मिल के आ जाती हूँ मम्मी से, कि अगर कहीं ज़्यादा तबीयत ख़राब ना हो या कोई होता है ना, थोड़ा डर सा लग जाता है कि पता नहीं क्या होगा। पर इतना कुछ इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, शायद बीपी वगैरह ही लो हो गए, तो पर अपने डर सा बैठ गया मन में, मतलब जब से मम्मी की तबीयत ख़राब हुई है, जब से मम्मी का इलाज वगैरह चल रहा है, तो होता है ना एक डर सा बैठ जाता है, अगर उनका मतलब थोड़ा सा भी कुछ होता है ना तो डर लगने लग जाता है यार कि फिर से कहीं वही वाली प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, या कुछ वैसे ही नहीं हो जाएगा, होता है ना। तो मतलब यही बोल सकती हूँ मैं यार कि हम उनको ना मौत के मुँह से बोलते ना बचा के लेके आए, कहीं ना कहीं मतलब यही है कि भगवान ने उनको एक दूसरी ज़िंदगी दी है। मतलब सच्ची में बता दूँ हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे पिछले साल जब वो बीमार हुए थे, उस टाइम पे मेरी नॉर्मल में सगाई वगैरह ही हो रखी थी शायद, हाँ उस टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे। तो मम्मी क्या क्या हुआ था, क्या क्या हमने परेशानियाँ झेली, ये सब टॉपिक में मैं फिर कभी आप लोगों से बात करूँगी, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी। खैर छोड़ो अभी मुझे इस बारे में कुछ ज़्यादा कुछ बोलना नहीं, आगे कभी फिर बताऊंगी आपको अच्छे से बताऊंगी कि क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी। तो बस फिलहाल तो मैं यही बोलूंगी कि आप लोग यही जान लीजिए कि हम लोग उनको बस मौत के मुंह से बचा के लेके आए हैं, और
ये बीमारी ऐसे होती है ना कि मतलब बीमारियाँ इसमें कुछ पता नहीं होता कि अभी तो ठीक हो गए जैसे तैसे, भगवान ने भी एक बार तो साथ दे दिया, लेकिन हर बार साथ नहीं दे सकता ना, तो दोबारा भी हो सकता है, वही प्रॉब्लम दोबारा हो सकती है, तो कोई ये नहीं होता कि क्लियर ही हो गई है ना हो सकती है, तो वो चीज़ दोबारा भी हो सकती है, तो इस वजह से ना थोड़ा सा डर रहता है, तो थोड़ी सी भी उनको दिक्कत होती है तो डर से जाते हैं सभी लोग बोलते हैं ना, हमें दिक्कत हो गई तो इतना नहीं लगता, ऐसा लगता चलो यार नॉर्मली बीमार हो गई, लेकिन जो बंदा पहले ही मतलब अपने बीमारी से बच के आया हो, अगर थोड़ा सा भी होता है तो डर तो फिर लगते ही, और सीन ये भी है ना कि अगर मम्मी थोड़ा बहुत बीमार हो गई तो मैं घर नहीं जा सकती अपने, तो मुझे अभी अलाउड नहीं है, जैसे कि आप लोगों को पता परहेज चल रही थी, उस चक्कर में मैंने अपने मायके नहीं जाना है, बाहर को तो कुछ भी नहीं खाना, लेकिन मायके के अभी कुछ नहीं खाना है मैंने, मतलब मायके वालों के हाथों को कुछ नहीं खाना है, और ना ही मैं उनको कुछ दे सकती हूँ, लेकिन मैं इन्होंने कुछ नहीं रखना फिलहाल मुझे उनसे, और बाहर मैं मिल सकती हूँ उनसे, बाहर में मैंने जो जिन्होंने पूजा करवाई थी तो उनसे मैंने पूछा हुआ था कि मैं बाहर नॉर्मली मिल सकती हूँ, क्योंकि अब भाई सुख है दुख है बहुत सारी चीज़ें होती है, तो बाहर तो इंसान मिल ही सकता है, और ज़्यादा ही कुछ परेशानी बहुत ही ज़्यादा होती है, तो तब तो खैर यार घर में जाना ज़रूरी है, लेकिन फिलहाल उन्होंने कहा था कि कोई दिक्कत नहीं है, बार बार तो मिल सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे ज़रूरी काम होते हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पर ये कि खाना पीना ही नहीं है तो मायके जाने का फ़ायदा भी नहीं है ना, तो वही सीन होता है जब खाते ही खाना ही नहीं तो जाके क्या फ़ायदा, तो फिलहाल मुझे जाना नहीं है जब तक परहेज चलती है, और इसी चक्कर में मैंने सोचा वहाँ तो नहीं जा सकती तो एम्स हॉस्पिटल में चली जाती हूँ, क्योंकि यहाँ से एम्स हॉस्पिटल ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा मेरे लिए तो बहुत पास पड़ता है यहाँ से, उन लोगों के लिए उत्तम व्यवस्था उनको आना पड़ता है एम्स हॉस्पिटल, तो उनके लिए काफ़ी दूर पड़ जाता है, मेरे लिए इतना दूर नहीं है, तो मैंने सोचा दूर भी नहीं है मैं मिल के भी आ जाती हूँ, और वैसे भी मैंने पता नहीं उसके बाद मैं कब मम्मी उनसे मिलूँगी, अब तो परहेज मुझे लग रहा है मेरी काफ़ी लंबी चलने वाली ना, इसी चक्कर में उनसे फिर मैंने कहा बार बार तो आएंगी, और क्योंकि वह दो ढाई तीन महीने में यहाँ से बुलाते हैं उनको डॉक्टर, तो फिर हर बार भी मैं यहाँ से जाऊँ हॉस्पिटल ये भी पॉसिबल नहीं होता ना, बहुत सारी चीज़ें करती है, तो इस बार मैंने सोचा यार मैं मिल के आ जाती हूँ, फिर पता नहीं कब तक परहेज जब पूरा सही हो जाएगा तभी मैं मायके जा सकती हूँ, तो इसी वजह से तो काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, और ऐसी जमीन पर लेटे हुए हैं कोई किसी को कुछ प्रॉब्लम किसी को कुछ प्रॉब्लम, उनके देख कर ही ना मन इतना दुखी सा हो जाता है, बहुत अजीब लग जाता है मन देख के, मुझे तो एकदम ऐसी जगह में जाना तो सर दर्द होने लग जाता है, वो हॉस्पिटल में इतने घंटे तक घूम रहे थे, ऐसे लोगों को देख रहे थे, एक इतना छोटा सा बच्चा उसको भी लेके जा रहे थे, अजीब तरीके से ना तो बहुत बुरा लग रहा था यार सबको देख के, क्योंकि मुझे पता है ना कि कितनी परेशानी होती है हॉस्पिटल में, मतलब मैं यही बोलती हूँ कि अगर कोई मेरे लिए बहुत बुरा भी सोचता होगा ना, बहुत ज़्यादा बुरा भी सोचता होगा, भगवान उसको भी कभी ऐसी परेशानी ना देखनी पड़ेगी, हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़े, किसी को भी ना काटने पड़े हॉस्पिटल के चक्कर, क्योंकि जब हमने काटे थे तो मुझे पता है कि हम कितने दुखी रहे, पेशेंट तो बीमार होते ही है लेकिन जो बंदे साथ में चक्कर काट रहे होते ना इधर से उधर, वो भी बीमार होने के चांस में बीमार होने जैसे हालत ही हो जाती है उन लोगों के भी, तो मैं यही चाहूँगी भगवान से कि कोई दुश्मन भी हो ना उसके लिए भी कभी हॉस्पिटल जाना ना ही होगा, तो वो हमेशा स्वस्थ रहे मरते वक्त, तो बस दोस्तों मैं इसीलिए हॉस्पिटल गई थी, यही रीज़न था मेरे अचानक से तरह से हॉस्पिटल जाने का, और दुख ना मुझे इसलिए लगा कि आज मेरी मम्मी का हैप्पी बर्थडे और मम्मी को बेचारे को हॉस्पिटल के वहाँ पर चक्कर काटने पड़े, और मेरी मम्मी का हैप्पी बर्थडे विश करना मत भूलना ठीक है, पक्का 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 कर देना, और थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था यार कि बर्थडे के लिए हॉस्पिटल के चक्कर काटे कोई इंसान तो अजीब ही लगता है, तो फिर क्या हुआ था आज के टाइम में मम्मी और थोड़ा मार्केट पे चले गए थे, पापा ने कहा कि चलो यार मार्केट चले जाते हैं मम्मी के लिए कुछ कपड़े वगैरह खरीदने या कुछ बर्थडे के कुछ चीज़ें होगी जो उनको पसंद आएगी, तो पापा ने कहा मैं वो ले लेता हूँ, तो फिर हम वहीं से थोड़ा मार्केट चले गए थे, और मैं तो वहाँ पर ज़्यादा रही नहीं क्योंकि मेरे को लग गई थी भूख, और ऊपर से मैंने कुछ खाना पीना भी नहीं था बाहर का, तो मैं फिर मैंने उनसे कहा कि तुम लोग क्या शॉपिंग कर लेना आराम से, मैं मेरे पास नहीं मैंने मैं निकल जाती हूँ, तो मैं आ गई थी, तो आज चल बता रही थी कि उन्होंने थोड़े बहुत कपड़े वगैरह खरीदे मम्मी के लिए भी, और शायद आज चलो उन्होंने अपने लिए भी खरीदेंगे, मौसूर पर आए थे तो मौसूर ने कहा कि हमें भी इस टाइम में लाजपत नगर मार्केट है ना वो पड़ते हैं, तो उन लोगों ने कहा कि हमें भी वहाँ पर देखना है, मौसी शायद आएंगी थी वहाँ पर, पापा ने कहा कि चलो मैं तुम्हें भी वहाँ से एक बार घुमा के लेके आ जाऊँगी, तो वो लोग तो चले गए, मैं इधर आ गई, मैंने कहा तुम अपना शॉपिंग कर लो जब तक ही करोगे शाम तक, क्योंकि भैया मैंने तो कुछ खाया पे नहीं, और मम्मी को भी मुझे देख के थोड़ा दया भी आ रही थी, होता है ना कि यार हमारे साथ खा रहे हैं ये सभी लोग खा रहे थे, फिर मम्मी तो होता है ना मम्मी को सब बुरा भी लग रहा था पापा मम्मी दोनों को ही, तो फिर मैंने कहा उन्होंने कहा कि तुम चले ही जाओ घर पे कुछ खाना वाना बना के तो खा लोगी, क्योंकि टाइम भी मैं कह रही ना दो ढाई बजे को, तो फिर मैं आई गई ना, मैंने कहा तुम्हारा भी सबना बर्थडे वगैरह मनाना अच्छे से, तो बस गाइस यही सारी चीज़ें हुई आज के दिन, और चलो फिर मैं इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करती हूँ, और कोशिश करूँगी मैं इस ब्लॉग को आगे डालने की कोशिश करती हूँ, और अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर चैनल को पहली बार देखो तो सब्सक्राइब भी पक्का करके जाना ठीक है,
और कमेंट करके जरूर 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 बताना चाहिए यार आप लोगों को, जो भी आप मतलब पूछना चाहते हो या जो कुछ भी है आपको अच्छा लगता है बुरा लगता है मेरे ब्लॉग देखते, तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर दिया करो। आपके कमेंट की वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि जितने ज़्यादा कमेंट आते हैं ना उतनी ज़्यादा खुशी मिलती है यार कि लोग मुझे देख रहे हैं पसंद कर रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो कमेंट भी जरूर कर दिया करो वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।